आप सभी के स्वागत है। बात करेंगे टाटा कम्युनिकेशन के बारे में। स्टॉक में एक धमाकेदार ब्रेकिंग न्यूज है, उसके बारे में बात करेंगे। उस न्यूज़ का कैसे फ़ायदा उठाना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ साथ कंपनी यहाँ पर कितनी फंडामेंटल स्ट्रांग है उसके बारे में बात करेंगे। आप यहाँ पर पूरा वीडियो देखना, प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि टाटा कम्युनिकेशन में आपको किस तरीके से एडवांटेज और ज़बरदस्त फायदे मिलेंगे, और कंपनी में अभी खरीदारी का मौका भी आपको मिलते हुए देखने को मिल जाएगा। अब मैं आपको कंपनी के बारे में एक बहुत ही बढ़िया और शानदार बात बताना चाहूँगा, कंपनी के ग्लोबल पार्टनर और डोमेस्टिक पार्टनर के बारे में। यहाँ पर आप देखेंगे इंडिया में जैसे कि डोमेस्टिक लेवल पर बात करें तो SCL टेक्नोलॉजी, और यहाँ पर फॉरेन कंट्री में बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट है, यहाँ पर यूरोपियन टोर्स है, यहाँ पर मास्टर सर्विस प्रोवाइडर, बहुत कुछ वेरियस टाइप के इनके पास पार्टनर नज़र आते हैं फॉरेन कंपनियों के। ज़बरदस्त यहाँ पर डील होते रहती है, और कंपनी कम्युनिकेशन IT सर्विसेज सभी में कंपनी अपना वेटेज रखते हुए नज़र आ रही है। यहाँ पर हम बढ़िया बात देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी में आया है देखिए ऑफर फॉर सेल, और वो कितना यहाँ पर स्टेक बेचेंगे देख लीजिए, यहाँ पर 16.12% का स्टेक यहाँ पर बेचने वाले हैं। अब यहाँ पर ये गवर्नमेंट बेचेगी। अब मैं आपको बता दूँ इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पर आप देखना ज़रूर आपको पता चल जाए कि यहाँ पर ऑफर फॉर सेल में यहाँ पर बेचने वाले को ज़रूरत है कंपनी के जो शेयर है। अब यहाँ पर ऑफर फॉर सेल में देखिए ऑफर देकर शेयर बेचे जाएंगे, और जो एक्चुअल शेयर का प्राइस है उससे भी कम दाम पर ऑफर फॉर सेल में शेयर बेचेंगे। गवर्नमेंट बेचने वाली है यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर दो तरीके के यहाँ पर इसमें आपको इन्वेस्टर देखने को मिलेंगे इस कंपनी में टाटा कम्युनिकेशन में। अब वो कैसे मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। आप देख लीजिए गवर्नमेंट के पास कितना यहाँ पर शेयर होल्डिंग है, बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पर बेचने वाले कितने हैं उसके बारे में भी आपको पढ़ने को मिल जाएगा। यहाँ पर कितने रुपये मिलने वाले उसके बारे में भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर 9,601 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर ये जमा करने वाले हैं सब बेचकर, और यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा पूरी तरीके से 7,44,46,885 इक्विटी शेयर यहाँ पर बेचे जाएंगे टाटा यहाँ पर कम्युनिकेशन के। अब यहाँ पर आप बहुत से इन्वेस्टर बोलेंगे कि सर इसमें प्रमोटर की होल्डिंग तो 74% की नज़र आती है, यहाँ पर फॉरेन निवेशक का 17% स्टेक नज़र आता है, पब्लिक का 5%, तो ऑल अराउंड देखें मिला के सब तो ये 100% हो जाता है। तो गवर्नमेंट के पास ये शेयर कहाँ से आए, तो मैं आपको वो भी बताना चाहूँगा। आप पूरी तरीके से लिसन करना, आप ज़रूर अंडरस्टैंडिंग करना कि इस कंपनी में फॉरेन निवेशक का इंटरेस्ट कितना देखिए 17% का है। और यहाँ पर आपको बढ़िया बात देखेंगे म्यूचुअल फंड ने भी अभी फिलहाल स्टेक बढ़ाया है, तो यहाँ पर दो मेंबर बहुत ही बढ़िया इंटरेस्ट दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आप बिल्कुल देख लेना कि इस कंपनी में टाटा सन जो है टाटा ग्रुप उनका यहाँ पर 51% स्टेक बोले तो उनका कंट्रोल है इस कंपनी पर, और गवर्नमेंट का देखेंगे तो 48% का स्टेक इस कंपनी में है, क्योंकि ये कंपनी एक्चुअली गवर्नमेंट की कंपनी थी बट खरीदा किसने यहाँ पर पूरा कंट्रोल तो टाटा ग्रुप ने, इस वजह से इसका नाम टाटा कम्युनिकेशन रखा गया है। आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि इस कंपनी का वेटेज सबसे बढ़िया बढ़ गया क्यों, क्योंकि टाटा ग्रुप के पास आने की वजह से, और कंट्रोल भी टाटा के पास ही है। यहाँ पर आप इसके कंपनी के सर्विसेज की बात करें तो ज़रूर देख सकते हो, और आपको यहाँ पर क्वेश्चन भी आता होगा कि इसका ऑफर फॉर सेल का प्राइस क्या फिक्स किया गया है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा पूरी तरीके से साफ साफ आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा कि यहाँ पर ऑफर फॉर सेल का कोई प्राइस फिक्स है बोलकर। प्राइस अभी भी फिक्स नहीं, खाली इसका ऑफर फॉर सेल आएगा या अभी स्टॉक पर आपको प्रेशर देखने को मिल जाएगा, और इसमें आपको गिरावट भी हो जाए तो आप बिल्कुल इस पर नज़र रखकर और आपको फ़ायदा उठाने के लिए भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कंपनी नेटवर्क सर्विसेज, नेटवर्क सिक्योरिटी, इंटरनेट सर्विसेज, डाटा सेंटर सर्विसेज। अब यहाँ पर देखिए कंपनी में गवर्नमेंट का स्टेक है बोल तो गवर्नमेंट ऑफिसेज, गवर्नमेंट पूरी तरीके से जो भी चीज़ें होती उनमें नेटवर्क प्रोवाइड कौन करता होगा, तो यही कंपनी। आप बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग करना कि इस कंपनी का रेवेन्यू क्यों बढ़ रहा है। आप यहाँ पर बिल्कुल देख सकते 2018-19 में कंपनी नॉर्मल थी, सडनली यहाँ पर 2020 में आपको देखने को मिला होगा कि जो कंपनी का रेवेन्यू कैश फ्लो है वो अच्छा खासा बढ़ा है, क्योंकि कंपनी के बिजनेस में दम है, और साथ साथ आप देखेंगे तो बहुत सी यहाँ पर चीज़ें नेटवर्क पर ही चल रही है, इंटरनेट बेसिस पे पूरा प्लेटफॉर्म तैयार किए गए, इस वजह से इनका बिजनेस बढ़ते नजर आ रहा है। यहाँ पर आप रिटर्न के मामले में देखेंगे तो स्टॉक ने रिटर्न में बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया है, पिछले एक साल की बात करें ऑल अराउंड यहाँ पर 380% के करीब का यहाँ पर इन्वेस्टर को रिटर्न कमा दिया, और 5 सालों की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जितना एक साल में कमा दिया उतना तो स्टॉक ने 5 साल पहले नहीं कमाया था, तो ये आपको पता चल जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको टाटा कम्युनिकेशन के बारे में एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों कि आप बिल्कुल ऐसे स्टॉक पर नज़र रखिए जो आपको यहाँ पर क्वालिटी भी मेंटेन करते हो और उनमें दम नज़र आता हो। अब यहाँ पर टाटा कम्युनिकेशन की बात करें तो कंपनी वर्क तो बढ़िया करती है बट ये स्टॉक अभी देखेंगे तो बहुत ही अच्छे खासे यहाँ पर दाम पर मिल रहा है, बोलते हाई वैल्यूएशन पर 1300 रुपये करीब है, तो इसमें गिरावट अच्छे खासे होने के बाद इन्वेस्ट करना चाहिए। हाई वैल्यूएशन पर कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना सही नहीं रहता है।
आप इस बात को समझना। और देख लीजिए, जो यहाँ पर एक्टिव रहते स्टॉक मार्केट में, उनको समझ में आता होगा कि देख लीजिए, तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता था कि प्रमोटर के पास इतना सारा स्टेक है तो ऑफर फॉर सेल कैसा आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं इस कंपनी में, ये पूरी तरीके से नॉर्मल सिचुएशन में इन्वेस्टर थे। देखिए, ऐसा सडनली कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकता है शेयर मार्केट में, इस बात को याद रखना। आप समझ सकते हैं कि ऑफर फॉर सेल बोलते तो प्रॉब्लम ही होता है, क्योंकि इन्वेस्टर कोई खरीद लेते हैं हाई वैल्यूएशन, बाद में और स्टॉक गिर जाता है तो पैनिक सिचुएशन में आ जाते हैं। यहाँ पर स्टॉक का 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो आप बिल्कुल देख लेना, स्टॉक ने 1000 रुपये कमा दिए है। और कुछ सालों की बात करें, जैसे कि पिछले यहाँ पर आप देख सकते हैं 2016-17 से भी बात करें तो स्टॉक में कोई भी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट खास नहीं था। यहाँ पर आप देख सकते हैं COVID-19 के बाद की इम्प्रूवमेंट पिछले सालों से भी बेहतर नज़र आएगी आपको। यहाँ पर ये भी बात दिखाना चाहूँगा कि स्टॉक में आपको गिरावट और तेज़ी भी देखने को मिलती होगी। यहाँ पर बिल्कुल जैसे जैसे डिसीजन होते हैं स्टॉक में, वैसे वैसे गिरावट और तेज़ी देखने को मिलती है। इन बातों को सभी ने यहाँ पर याद रखना है कि टाटा कम्युनिकेशन कोई ऐसा प्रॉपर तरीके से एक ही वे में चलने वाला शेयर नहीं। रिटर्न तो दिखने को मिलेगा आपको, एक एक दिन में 5-5%, 20-20% भाग जाता है, बट रिस्क भी उसी तरीके का है। इसको भी याद रखकर आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई होप आप बढ़िया तरीके से समझ चुके होंगे कि टाटा कम्युनिकेशन में क्या एडवांटेज है, क्या चल रहा है, कंपनी कैसी है, ये सभी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। थैंक यू सो मच आपका कीमती देकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए। थैंक यू।